subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीहा और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग अपने अध्ययन में हम विभिन्न प्रार्थनाओं के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। तो आज भी एक और ऐसी प्रार्थना के विषय में हम लोग सीखेंगे कि हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये बात हम प्रार्थना करने वालों के लिए बताया है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 16 पद और 17 पद में एक रहस्यमय प्रार्थना, एक गुप्त प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया कि आपकी प्रार्थना कैसे हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि लोग हमें ये जाने, हमें देखें कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। और हम बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं ऐसा हम अपने आप को दर्शाना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। परंतु इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि इससे हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो हमें प्रार्थना इसलिए करना है कि मुझे प्रतिफल प्राप्त हो। आमीन, हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें प्रार्थना के द्वारा कैसे प्रतिफल मिलेगा। आमीन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मत्ती 6:16, यहाँ प्रभु बताता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई न रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा बात हमें सिखाया, ऐसा बात हमें बताया कि लोग हमें जाने कि हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास करते हैं। ऐसा हम लोगों को दिखाने के लिए जो मुंह बना के रहते हैं और ऐसा जताते हैं कि मैं कितना प्रार्थना में और कितना मैं ऐसा लोगों को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, उससे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा ऐसा प्रभु ने बताया। हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब अपना मुंह पर उदासी और ऐसा कुछ ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। खैर, हमारे समय के आधुनिक कलीसिया के लोग ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है, लेकिन ऐसा अगर कोई हो तो आज एक पाठ हम प्रभु से सीख रहे हैं। परंतु मैं इतना आपको बता सकता हूँ, पहली शताब्दी की कलीसिया में पहले के लोग, जब प्रभु यीशु मसीह के समय में जो लोग थे जिनमें शास्त्री और फरीसियों का समावेश है, उस समय शास्त्री और फरीसी लोग अपने लोगों में, अपने समाज में वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितना प्रार्थना करते हैं। वो नाते धोते नहीं थे और अपना मुँह बना के रहते थे और उन्होंने ऐसा प्रवृत्ति बना लिया कि लोगों में हमारा ऐसा नाम प्रचलित हो कि हम कितना धार्मिक लोग हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को देखकर ही ये उदाहरण बाइबिल में बताया। मेरे प्रियो, लेकिन इससे हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा ऐसा 16 पद कहता है। परंतु 17 पद को यदि हम पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धोले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में
तुझे उपवासी और जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें बताया है, अगर हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप गुप्त रूप से अपने गुप्त में जो परमेश्वर पिता हमें देख रहे हैं, हम उसके सामने हम लोग गुप्त रूप से प्रार्थना में प्रभु के साथ में अपना संबंध बना के रखे। यहाँ लिखा है तू मुंह धो और तेल मल, है ना, मुंह धो और तेल मल। इसका तात्पर्य यह है जब हम उपवास करते हैं कि हम ऐसा दिखाए कि मैं उपवास नहीं हूँ, मैं फ्रेश बिल्कुल ना धो के मुंह धोकर और अपना तेल लगाकर एकदम फ्रेश रहे, ताकि लोग आपको देखे तो ऐसा समझे कि आप कोई उपवास वगैरह नहीं कर रहे, आप बिल्कुल फ्रेश है। आप अपने आप को ऐसा दिखाए कि मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी रहस्यमय प्रार्थना, आपकी गुप्त प्रार्थना, आपका परमेश्वर पिता आपको जो देख रहा है वो आपको जाने, और आपका प्रार्थना का प्रतिफल और उत्तर वो आपको बेकटके प्रभु आपको आपका प्रार्थना का उत्तर दे। आप इस बात को ध्यान में रखें कि मैं गुप्त में रहस्यमय रूप से मेरे प्रभु से मैं अपना संबंध प्रार्थना में बनाए रखूंगा। मुझे लोगों में या प्रजा के बीच में अपने आप को प्रचलित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये प्रार्थना रहस्यमय प्रार्थना, गुप्त प्रार्थना, ऐसा यहां पर लिखा है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हम जब भी प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमारे पिता परमेश्वर के साथ में हम अब संबंध बना के रखें, और गुप्त में रहस्यमय रूप से प्रभु के साथ में बैठकर प्रार्थना करें। इस प्रार्थना से आपको जरूर उत्तर मिलेगा, जरूर आपका प्रतिफल प्रभु आपके हाथ में देगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरी विनती है, मेरी दुआ है आपके लिए कि आप ऐसा प्रार्थना करें कि जिससे आपको प्रतिफल मिले। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू।